स्टार्ट नाउ वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम इनोवेटिव वुमन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आफिया शम्स आप लोगों के साथ। और एज ऑल ऑफ यू नो, और जो लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम का थीम जो है कि इसमें हम पाकिस्तान भर से इनोवेटिव और क्रिएटिव वुमेन को डिस्कवर करते हैं, उनकी लाइफ जर्नीज, उनकी सक्सेस जर्नीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप सारी ऑडियंस और स्पेशली लड़कियां जो हैं वो उनकी सक्सेस जर्नी से मोटिवेशन ले सके, इंस्पिरेशन ले सके। और इसी तरह आज की हमारी गेस्ट भी बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही जरूरतमंद खातून है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मैम तहमीना अजीम। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू आवर शो। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू आफिया, थैंक यू आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू एवरीवन जो और हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, जिन लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द वेमेन, टू ऑल द इनोवेटिव वेमेन ऑफ पाकिस्तान। जी, तो मैं मैम का इंट्रोडक्शन कराती जाऊँ आपके साथ। मैम तहमीना अजीम जो है ये इस टाइम पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स की स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट मैनेजर है। इसके साथ साथ ये सर्व कर चुकी हैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और सबसे जो स्पेशल बात है इनकी, जो मेरे लिए इन सारी चीजों से बढ़ के इंस्पिरेशन है, कि शी इज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, और उसके साथ साथ इन्होंने ये सारी चीजें मैनेज की हैं। तो ये इनका बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैम बताइए किस तरह से आप इतना सब कुछ मैनेज करते हैं, और कैसे कैसे आपने अपनी सारी चीजें मैनेज की, और किस तरह से आप यहाँ तक पहुंची हैं। ट्रूली सेइंग आफिया, ये हमारी, जब तक हमारा फैमिली हमें सपोर्ट नहीं मिलती, हम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फैमिली सपोर्ट फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय सिस्टर्स, फ्रॉम माय हस्बैंड, फ्रॉम माय चिल्ड्रन। स्पेशली मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे इस पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सही, तो हम व्हेन इससे या एंड आई जी, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी, और यही बताना चाहूंगी कि जब तक हमारी फैमिलीज हमें, हमारे बैक्स पे नहीं होती है, दे आर द बैकबोन्स, फैमिलीज आर द बैकबोन ऑफ एवरी वुमन, एवरी गर्ल इन दिस सोसाइटी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और यही हमारा मैसेज होता है सारे व्यूवर्स को कि आप सपोर्ट करें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ्स को, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकें। और वो उसी सूरत में ज्यादा पॉसिबल हो जाता है जब फैमिली आपकी बैक पे होती है। अगर फैमिली बैक पे नहीं होती तो फिर जरा जर्नी जो है वो, और मुश्किलात जो है वो जरा और बढ़ जाती हैं। तो आप बिल्कुल सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताइए, बीइंग मतलब बीइंग अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, किस तरह से आपने मैनेज किया, और आप अपनी फैमिली के बारे में, अपनी जरा अपनी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बताइएगा हमें, उसके बाद फिर हम बिल्कुल आते हैं। श्योर आफिया। आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। आई वॉज जस्ट 18 years ओल्ड एंड आई गॉट मैरिड, एंड आई हैड अ डॉटर, देन आई हैड अ स्पेशल सन, और आई वॉज जस्ट 21 years ओल्ड वेन माई सन आसिम सर वॉज बॉर्न। और 5 years तक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि हाउ टू कोप अप विद हिम। ही वॉज वेरी हाइपर और स्लो, इसके थोड़े माइलस्टोन्स भी स्लो थे, डॉक्टर्स के पास लेके जाते एंड डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हमारे, जितने हमारे हम लोग दिखाते रहे, उन्होंने कहा जी सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई बात नहीं, बच्चे हाइपर होते हैं, नथिंग टू वरी। और बिकॉज माई हस्बैंड वॉज इन द आर्मी, तो हमारी डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग्स होती थी, सो पीपल स्टार्टेड सेइंग कि जी इनका बेटा बहुत हाइपर है, प्लीज हमें, हमें बिल्कुल सोशली, हमें एक तरह से लोगों ने कन्फाइन कर दिया, लोगों ने हमें अपने पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज में, बच्चों की जो हमारे गेट टुगेदर्स होते थे या डिनर्स होते थे हमारे आर्मी में, तो पीपल स्टॉप कॉलिंग अस कि जी इनका बेटा बहुत हाइप है, वो आता है बच्चों को मारता है एंड ही गोज अवे, और पेरेंट्स कुछ नहीं कहते उनको। सो हमारे लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी ये सारी चीजें, और फिर हम लोग ने कंसल्ट करना शुरू किया स्कूल में। हमने जब इसको एडमिशन कराया तो वहां पे टीचर्स ने भी यही कहा कि जी ये बच्चा जो है, इसके थोड़े से माइलस्टोन्स स्लो हैं, आप इनको किसी को दिखाएं, स्पीच थेरेपिस्ट को। स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया, उन्होंने इनका कैरियोटाइपिंग कराई। जब कैरियोटाइपिंग कराई तो उसमें इनका डाउन सिंड्रोम आया, बट इनके फीचर्स नहीं थे डाउन सिंड्रोम वाले।
सो सॉरी आफिया। सो हम लोगों ने फिर इनको दोबारा से जब फिनोटाइपिंग में इनका आया, लेकिन डॉक्टर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस क्योंकि इनके फीचर्स नहीं थे डाउन सिंड्रोम वाले। फिर हमने बाकी स्पीच थेरेपिस्ट को, स्पाइजाइज स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने फिर इनका ऑटिज्म, इनका जो ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इनका डायग्नोज हुआ। और तब से ही हमने, 5 ईयर्स के थे ये उस वक्त, 1993 की बात है ये, और उस वक्त से ही हमने स्पेशल ओलंपिक्स में इनको इंडल्ज कर दिया। राइजिंग सन पहला इनका स्कूल था और वहीं पे हमने इनको एडमिशन कराया, वहीं पे इन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स ज्वाइन किया, वहां से इनको एथलेटिक्स में डाला गया, जो बहुत ही हमारे लिए बड़ा एक इंकरेजिंग प्लेटफॉर्म हमें मिला। और हम, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, हम सब ने उसको ज्वाइन किया। और उस दिन से लेके आज तक, नौ माशाल्लाह, ही इज 32 ईयर्स ओल्ड, तो अब तक माशाल्लाह हम स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के साथ ही हैं, और इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत कुछ सीखा। और अल्लाह वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मिस रौनक लखानी, मिसेस तवाब, राइजिंग सन स्कूल की हमारी प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। फिर जब हम लोग कराची, हमारी पोस्टिंग हुई, और इस्लामाबाद भी हम लोग रहे, वहां पे भी हम लोग इनको भेजते रहे आर्मी स्पेशल एजुकेशन में। When we came over to Karachi, तो यहाँ पे जो हमें प्लेटफॉर्म्स मिले, स्कूल्स, कोचेस, और स्पेशली जिक्र करना चाहूंगी हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो थे अरशद जावेद, उन्होंने हमें, मेरे बेटे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने इनको पर्सनली इनके इनके साथ इंटरेस्ट लेके मुझे चीजें बताते रहे कि इनको ये वाली ट्रेनिंग्स कराएं, इनको ग्राउंड्स के ऊपर इस तरह की ट्रेनिंग्स कराएं, कोचेस के बारे में इन्फॉर्म करना। तो ये सारा जो है, ये सब चीजें जो हमने स्पेशल ओलंपिक्स से सीखी, इस प्लेटफॉर्म से सीखी, वी आर रियली ग्रेटफुल टू इट। और इसी वजह से मेरे बेटे ने फिर स्पेशल ओलंपिक्स में, वर्ल्ड गेम्स में 2 दफा पार्टिसिपेट किया। ही फर्स्ट वेंट इन टू टू माशाल्लाह थाउजेंड सेवन इन टू चाइना, शंघाई, वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 2015 में समर ओलंपिक्स जब हुई, तो उसमें ही वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान, गोल्ड मेडलिस्ट फॉर पाकिस्तान। जबरदस्त सो ये मतलब जबरदस्त बहुत, और ये जर्नी कोई छोटी जर्नी नहीं है आफिया, बहुत साल लगते हैं, बहुत सालों की मेहनत होती है। आप यकीन करें कि 8 ईयर्स मैंने सिर्फ अपने बेटे को स्विमिंग सिखाई, उसको डिफरेंट उसके स्ट्रोक सिखाए, 8 ईयर्स, इट टुक अस 8 ईयर्स, क्योंकि ये बच्चे आईडी होते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, तो इनका थोड़ा सा आई हैंड कोऑर्डिनेशन वीक होता है, तो इन बच्चों को चीजें सिखाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसी तरह एथलेटिक्स में भी अरशद जावेद ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया, उन्होंने इनको सारी स्प्रिंटिंग सिखाई, उसके अलावा लॉन्ग जंप में इनको डाला। जब तक हमें अच्छे कोचेस नहीं मिलते, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते। तो वी वर सो लकी टू हैव सच गुड कोचेस इन स्पेशल ओलंपिक, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हुई, उनकी सब चीजों से। और एक चीज अब इसमें मैं खुद से ऐड करना चाहूंगी, जो मैंने आपका इंटरव्यू किया इससे पहले, मैंने एक हमारी गोल्ड मेडलिस्ट थी और स्पेशल ओलंपिक की कोच थी, उनका भी इंटरव्यू किया। और आजकल मेरा इंटरेक्शन जरा है आप लोगों के साथ, एक और स्पेशल मदर थी, स्पेशल चाइल्ड की मदर थी मैम लायलमा खान, उनका इंटरव्यू किया। तो आप सब लोगों में जो एक चीज मैंने कॉमन पाई है कि आप लोगों का पेशेंस लेवल, आप लोगों का टॉलरेंस लेवल इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि मतलब सबसे पहली चीज अगर मुझसे कोई पूछे कि इस सारे उसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में जो चीज मैंने सीखी है, पेशेंस बहुत ज्यादा है आप लोगों में। मतलब इसको तो मेरा सैल्यूट करने को दिल करता है, क्योंकि आम डीलिंग्स में एज आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हालांकि हम भी पब्लिक के साथ डील करते हैं और दूसरे लोगों की निस्बत हमारा भी थोड़ा सा वो स्टैमिना होता है, लेकिन आप लोगों को सलूट है कि इसमें आप लोगों का पेशेंस लेवल अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त। और जिस तरह अभी आपने बताया कि थैंक आपने यू सो 8 साल सिर्फ इसी पे सर्व किया अपने बच्चे को सिखाने में, तो ये बहुत ही एक बहुत ही काबिले तहसीन चीज है। इसके साथ अब आप हमें थोड़ा बताएं कि ये तो आपका अपना एक जर्नी था, तो स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं कि पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुई और अभी इस टाइम ये कहाँ कहाँ पे काम कर रही है और किस तरह से हम अपने बच्चों को इसमें इंगेज करा सकते हैं, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को आप लोगों के साथ कनेक्ट करा सकते हैं। जी। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान जो है, ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, जो जहनी तौर पे कमजोर बच्चे होते हैं, हम माजूर नहीं वर्ड यूज करते, हम कहते हैं कमजोर। अगर अल्लाह ताला ने उनकी एक सलाहियत
नहीं उनमें रखी, तो बहुत सारी दूसरी सलाहियतें हैं। तो जी इसी जिस आपने कहा कि पेशेंट्स के थ्रू और इसके थ्रू हम अपने बच्चों की लाइफ, स्पोर्ट्स के थ्रू इन बच्चों की लाइफ जो है वो हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं और रिहेबिलिटेट करते हैं इन बच्चों को, और उनको इतनी अच्छी स्पोर्ट्स की स्किल्स के थ्रू हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के ऊपर लेके जाते हैं। और इन बच्चों की हम ट्रेनिंग कब से शुरू करते हैं, दैट इज फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। यंग एथलीट का हमारा प्रोग्राम है 2 to 7 years का, तो उसमें हम इन बच्चों को शुरू से ही इन बच्चों को ट्रेन करते हैं। 2 to 7, देखिए 2 to 7 years ऐसी एज होती है कि जिसमें बच्चे अभी स्किल डेवलपमेंट उनकी शुरू होती है, उनकी मोटर स्किल्स और बाकी जो स्किल्स हैं वो इसमें डेवलप होनी शुरू होती है। तो अगर शुरू से ही हम उनको कैचिंग, थ्रोइंग, किकिंग, ये सारी जब उनको हम स्किल्स सिखा देते हैं, तो जब बाय द टाइम वो 12 या 11 या 12 years तक पहुंचते हैं, एडोलेसेंस तक पहुंचते हैं, तो उन बच्चों की ये स्किल्स जो है बहुत इंप्रूव कर चुकी होती है। तो फिर वो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के ऊपर जाने के लिए बड़े परफेक्ट हो जाते हैं कि जो ग्रुप एक्टिविटीज के गेम्स होती हैं, जिस तरह बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बॉची है, इस तरह की जो गेम्स हैं, ग्रुप्स जो गेम्स होती हैं उसमें ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल स्किल्स हमारे पास इस वक्त स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे पास 13 समर गेम्स हैं और 4 हमारे पास विंटर गेम्स हैं। सो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान जो है वो ऑल अराउंड पाकिस्तान में हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे ऑफिसेज हेड ऑफिस हमारा कराची में है। उसके अलावा जो हमारे बाकी ऑफिसेज हैं कराची, लाहौर, बलूचिस्तान में, क्वेटा में है, केपीके में है, गिलगित बल्तिस्तान में हमारे प्रेजेंस है इस वक्त, वहां भी हमारा ऑफिस है। तो पूरे पाकिस्तान में हमारे पास इस वक्त ऑफिसेज हैं और तकरीबन हमारे पास 30,000 एथलीट्स हैं पूरे पाकिस्तान से जो स्पेशल ओलंपिक्स के साथ रजिस्टर्ड हैं। और उसके अलावा जो हमारी समर गेम्स हैं उसमें हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी समर गेम्स जो हैं वो उसमें 13 गेम्स जिसमें मैंने आपको बताया कि वो हैं, और पूरा साल ईयर राउंड, ये नहीं कि जिस वक्त हमारे इवेंट्स आ रहे हैं तो उस वक्त हम करेंगे, ईयर राउंड ट्रेनिंग जो है हमारी स्पेशल ओलंपिक्स की वो ऑल अराउंड द ईयर चल रही होती है। हमारे कैंप्स लग रहे होते हैं, हमारे कोचेस की क्लिनिक्स चल रहे होते हैं, सो ऑल अराउंड हम लोग काम कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। और अब हमें आप बताएं, जो आपका आप जिनने जैसे सर्व किया सीन ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जी वो जरूर, आपका बिल्कुल। कैसा आई वॉज रहा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बड़े उससे हमारे कहते हैं कि ताल्लुकात भी हमारे बहुत लोगों के साथ, सोशल वर्कर्स के साथ हमारी बहुत अच्छे इंटरेक्शन हुई। बड़े पूरे इंटीरियर सिंध में मुझे जाने का मौका मिला इस प्रोजेक्ट के थ्रू। इट वॉज अ प्रोजेक्ट जो औरत फाउंडेशन के थ्रू हमें था, और जेंडर इक्विटी प्रोग्राम था हमारा, 3 years का हमारा प्रोजेक्ट था, और 3 years के बाद मुझे एज अ डिप्टी डायरेक्टर वहां पे लिया गया। और उसमें ये था कि हम लोगों ने बहुत सारे लॉज के ऊपर काम किया, जो विमेन रिलेटेड लॉज थे उनके ऊपर काम किया। उसके अलावा हमारे केस स्टडीज हमारे पास हम लोगों ने लेनी थी पूरे 3 साल में, तो उन केस स्टडीज को लेने के लिए हमारे पास जब भी कोई केस आता था तो वी हैड टू गो आवर सेल्फ उस जगह पे, उस ताकि हम पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करें, पूरा उसका सर्वे कंडक्ट करें, उस पर रिसर्च करें, और उसके बाद हम उस केस स्टडी को आगे लेके चलें। तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते थे जिसमें हमारे पास ज्यादातर वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, जो औरतों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद होता था, वो बहुत ज्यादा आफिया ऐसे ऐसे केसेस थे कि सबसे पहले जब हैदराबाद का हमारे पास केस आया और हम लोग खुद उस केस को लेने के लिए गए, और वो सिर्फ एक केस ये था कि एक खातून, यंग लड़की, 20 years की लड़की, उसका पूरा सर जो है कुल्हाड़ी के साथ उसके हस्बैंड ने इतनी बुरी तरह से उसको मारा कि पूरा सर उसका फटा हुआ था। और हॉस्पिटल जब हम गए तो वो बच्ची, लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो, और उसका जुर्म क्या था कि उसने एक बच्ची को पैदा किया, तो उसपे उसके हस्बैंड ने उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि वो पूरा उसका सर जो है वो फट गया था, और पूरा खूनो खून वो लड़की हो गई। फिर उसके भाई आए, वो उसको लेकर आए, और जब हम हैदराबाद हॉस्पिटल गए लड़की को विजिट करने के लिए, वो इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और हम लोगों ने जब गए तो वो बिल्कुल इस तरह उसको डाला हुआ था लड़की को, दरवाजे के साथ
उसकी बेड लगाया हुआ था, मतलब वार्ड में भी नहीं रखा हुआ था, उसको कॉरिडोर के अंदर उसको रखा हुआ था। और उसका भाई इतना डरा हुआ था, उसने कहा जी ये अभी मुझे धमकियां मिल रही हैं, ये किसी भी वक्त आके दोबारा इस लड़की को मार सकते हैं, इन्होंने पुलिस में या सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में इन्होंने रिपोर्ट किया है इसके बारे में। तो हम लोगों ने पूरी, फिर हमने जाके एमएस हॉस्पिटल को मिले, हम लोग जाके जज को वहां पे मिले, जो सेशन जज थे उनको जाके मिले, और पूरे हमने उसकी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त किया। और हॉस्पिटल में ये हालत थी कि उस लड़की जो इतनी वल्नरेबल है, उसको उन्होंने कॉरिडोर में रखा हुआ था, और जो 3 कमरे एसी लगे हुए वो खाली पड़े हुए थे। तो हमने उनसे एमएस हॉस्पिटल से पूछा कि ये क्यों खाली है, उन्होंने कहा जी ये हीट स्ट्रोक सेंटर्स है। तो हमने कहा वो लड़की जो बच्ची जो वल्नरेबल है, जिसको किसी भी वक्त मारा जा सकता है, उसको आपने बाहर कॉरिडोर में रखा हुआ है। तो हर चीज के लिए हम लोगों ने फिर आवाज उठाई उस लड़की के लिए, और हमने कोई हर दरवाजा नॉक करके हम उस पे गए, पुलिस को हमने इन्वॉल्व किया, और हमने उस बच्ची को पूरी प्रोटेक्शन दिलवाई। और जब तक उस बच्ची का इलाज नहीं हो गया, जहां जहां से डॉक्टर्स अवेलेबल थे हमने सबको ऑन बोर्ड लिया, और हमने उस बच्ची का कंप्लीट इलाज करा के फिर उसको घर भेजा। और फिर माशाल्लाह उस लड़की की सेकेंड मैरिज हो गई, उस पहले उसके हस्बैंड से डाइवोर्स हो गई, और फिर उस लड़की की सेकंड मैरिज हो गई, और माशाल्लाह अब वो लड़की बहुत खुश हमें अक्सर फोन करती रहती है कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उस वक्त मेरा हमारी हेल्प की जब हमें किसी ने नहीं पूछा। तो इस तरह के आफिया बेशुमार केसेस थे, एसिड थ्रोइंग के केसेस थे हमारे पास, अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस के बहुत ज्यादा केसेस आते थे। क्योंकि इंटीरियर सिंध में ये बहुत प्रॉब्लम है कि बहुत लड़कियों की बहुत अर्ली एज में, छोटी छोटी बच्चियां वट्टे सच्चे में और बाकी बनी करके उनको कर दिया जाता है, उनकी शादियां कर दी जाती हैं। तो इस तरह के बहुत केसेस आते थे जिनको हम खुद जाके ऑन द स्पॉट हम उनके पास, पेरेंट्स के पास जाते थे, और खुद जाके उनको हम लोगों ने उन केसेस को हैंडल किया। तो इस तो तरह के, और यहाँ इसी पे तरह घर के हमारे पास जी केसेस बहुत आते थे, वहां पे भी मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा थी, और हॉस्पिटल्स हम जाके विजिट करते थे, दारुल अमान हॉस्पिटल्स जाके हम लोगों ने विजिट किए, जो मेडिसिन नहीं थी वो हम लोगों ने हेल्थ केयर से और बाकी जो सोशल वेलफेयर और इन लोगों के जो अदारे हैं, क्योंकि हमारे जब तक हम लोग किसी नॉक नहीं करते, किसी को बताते नहीं अपनी प्रॉब्लम्स, कोई खुद से जाके अपनी ये चीजें नहीं देखते। अनफॉर्चुनेटली जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध बिल्कुल का इतना अच्छा रोल नहीं रहा इंटीरियर सिंध में, इसीलिए हमें खुद जाके ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, और फिर उनके ऊपर हम लोगों ने रिपोर्ट सेंड की गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह के फिर एक्शंस हुए। अच्छा। अभी आपने एक टर्म यूज की जेंडर इक्विटी की, जो कि बहुत जी सारे लोगों के लिए एक नई चीज होगी, क्योंकि इक्वालिटी तो हमने सुना है लफ्ज। ये हमें बताइएगा कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है, और इक्विटी मतलब इक्विटी पे ही आप क्यों काम कर रही थी, इक्वालिटी को आपने चूज किया। जी जेंडर इक्विटी का हमारा यही था कि उसमें हम दोनों को साथ लेके चले। इक्वालिटी तो है ही है, लेकिन बाकी जो कुछ ऐसे हमारे शोबे होते हैं जिनमें इक्विटी हमें चाहिए होती है, जिस तरह जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स की प्लेसमेंट्स हैं, वर्क प्लेसेस पे हमारी जो खवातीन हैं उनको नहीं, उनको जगह नहीं दी जाती है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे, स्पेशली हमारे इंटीरियर सिंध में ये बहुत इश्यूज आते रहे हैं, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इन सब जगहों पे इक्विटी नहीं होती है। इक्वालिटी तो छोड़ ही दे ना, इक्विटी जो है इन सब, इन लोगों को बताना पड़ता है कि जी इक्विटी चाहिए हमें, और हमें जब तक हम लोग इन चीजों को साथ नहीं लेके चलते, इक्वालिटी और इक्विटी गो साइड बाय साइड, लेकिन इक्विटी ये है कि उनको उसी तरह पे स्केल्स भी वही दी जाए जो जेंट्स को दी जाती है। सही। तो इस पे हम लोगों ने काफी काम किया, और हम लोगों ने काफी इसमें रिसर्च भी की। हम लोग काफी हॉस्पिटल्स जो है वो हमने बहुत सारे विजिट किए, सखर में, घोटकी में। घोटकी में तो आफिया कैन यू बिलीव कि जब हम हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने विजिट किए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को ज्यादा, हमारा फोकस गवर्नमेंट पे था कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम कर रहे। तो जब हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के स्पेशली हॉस्पिटल्स विजिट किए, वो सब वीरान पड़े हुए थे, वहां पे बेड्स नहीं थे, औरतें बिल्कुल कॉरिडोर्स में खड़ी पड़ी हुई थी जो प्रेग्नेंट थी। गाइनी वार्ड पे हमने विजिट किया, हमने चाइल्ड वार्ड को विजिट किया, और उसमें वो गाइनी वार्ड में भी वो इसी तरह कॉरिडोर्स में थी वो खवातीन। उन्हें अंदर जाके जब हमने देखा, मैं आपको पिक्चर्स भी सेंड करूंगी कि क्या हालात थे उस वक्त उन हॉस्पिटल्स का, कि बेड्स नहीं थे वहां पे, जो बेड्स थे उनके फोम्स निकाले हुए थे,
वहां पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं थी, वो ताले लगे हुए थे सब कमरों को, जो लेबोरेटरीज थी वो इतनी बुरी हालत में थी कि वहां पे मतलब कुछ लगता ही नहीं था कि किसी ने एक 3 4 सालों से वहां कभी सफाई भी हुई हो। तो जब हम बाहर निकले तो एक खातून वहां पे प्रेग्नेंट थी और वो बिल्कुल लास्ट उस पे थी उसपे, तो वो हमने उससे पूछा कि सिस्टर ने उससे कहा कि जी इनको जल्दी से बिठा के रिक्शे में ले जाए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा रिक्शे में लेके कहाँ जा रहे हैं आप इस लड़की को? तो उन्होंने कहा जी बस कोई नहीं जी, वो अब यही पीछे ही। तो हमारे साथ एक चैनल वाले थे, तो सिंध चैनल के न्यूज रिपोर्टर थे, उन्होंने मुझे कहा मैडम आप जरा इनके पीछे इनका जरा इनको जरा फॉलो करें। तो हम लोग आराम से हम पैदल चलते हुए हमने उस रिक्शे को फॉलो किया और बैक साइड के ऊपर आफिया एक पूरा क्लिनिक बना हुआ था। वो डॉक्टर साहिबा जो गवर्नमेंट डॉक्टर थी उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनको होना चाहिए था गायनी वार्ड में, उन्होंने पीछे अपना क्लिनिक बनाया हुआ था। और वो इस क्लिनिक में उन्होंने प्राइवेटली वो लड़की का सोनोग्राफी और वो बाकी सारी चीजें जो मशीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी वो उनके क्लिनिक में मौजूद। तो हम लोग चुप करके उनके क्लिनिक में जब गए, एंटर हुए, तो वो पहले तो वो सब परेशान हो गए, वहां 3 4 और खवातीन भी मौजूद थी। हमने कहा जी आप कहाँ से आए? हमने कहा जी हम वैसे ही इस लड़की के साथ हैं। तो अंदर जब हम गए तो वो डॉक्टर जो है बड़े, शी वॉज वेरी रिलैक्स, बड़े मजे से वो उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड कर रही थी और सब ले रही थी, और कहती कि चार्जेस जो हैं वो 300 अल्ट्रासाउंड के और बाकी डिलीवरी के जो रूम है उसके लिए आप अभी से 2,000 जमा करा। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा साथ ही हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं इस बच्ची को लेके जा रहे? तो उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल में तो कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज उनको दी गई थी वो सारी उन्होंने अपने क्लिनिक में रखी, ताकि अपने और शी वॉज प्राइवेट क्लिनिक चार्जिंग में रखें। प्राइवेट क्लिनिक में रखी। तो ये मतलब तो और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की मैं आपको बात बता रही हूँ, इसी तरह के हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने हमने विजिट किए अपने कमीशन के साथ सबकी यही हालत। कि जो वहां पे जो जो चीजें जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की थी पब्लिक के लिए, वो वहां के जो जी स्टाफ थे जो हेल्थ के प्रोफेशनल थे वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में प्राइवेट उनको क्लिनिक्स रख में के तो लोगों को वहां पे चार्ज कर रहे थे, जो कि बहुत ही एक गैर इंसानी हरकत है। वहां पे और चार्ज कर रहे थे तो इसमें फिर आपको गवर्नमेंट बहुत का ही कितना मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का क्या रोल रहा इस सारे कोर्स में? क्या गवर्नमेंट ने आपको कुछ बिल्कुल हम सपोर्ट लोगों किया ने जी या बहुत मतलब कोई खास सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की आपके साथ? नहीं, हम लोगों ने आके अपनी रिपोर्ट सारी हम लोगों ने सबमिट कराई, हमने सारा कुछ किया। सोशल वेलफेयर वालों ने थोड़ा सा एक्शन लिया, लेकिन जो हेल्थ केयर की तरफ से हमें बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली उसमें, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस। लेकिन हम लोगों ने कभी अपनी कहते हैं ना कि उम्मीद छोड़ी नहीं, हम लोगों ने उसके बावजूद हम लोगों ने सारे अपने जिन जिन हॉस्पिटल्स का हमें डेटा हमारे पास था हमने सारी रिपोर्ट्स उनको दी। और होपफुली कि अल्लाह करे कि कुछ इस गवर्नमेंट को होश आ जाए और वो इन चीजों पे काम करे। थर के हॉस्पिटल्स भी हम लोगों ने जाके विजिट किए, बिलीव में आफिया वहां बहुत ही बुरी हालत, बहुत ज्यादा। इंडस हॉस्पिटल ने प्राइवेटली कुछ वहां पे काम शुरू किया है, तो उसकी वजह से सखर में और कुछ एरियाज में है ऐसे कि उन लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स का सेटअप किया है, क्योंकि उनको बाहर से उनको ग्रांट्स मिली हुई है तो इसलिए वो काम कर रहे हैं वहां पे। वरना जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमारी जो खवातीन है, मुझे और किसी पे नहीं, मुझे अपनी खवातीन बच्चियां उन उनको देख के बहुत गुस्सा आता था। और मेल न्यूट्रिशन के इतने ज्यादा केसेस थे, और एक अगर छोटी बच्ची की शादी अर्ली एज में हो रही है तो वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से वो किसको जन्म दे रही है? वो एक मेल न्यूट्रिशन बच्चे को ही जन्म दे। तो वो बिल्कुल उन खवातीन की सेहत भी बहुत उनकी बुरी है, बहुत खराब उनकी सेहत के हालात हैं, और उनको पता ही नहीं है ड्यूरिंग मतलब अपनी ग्रूमिंग का भी उनको पता नहीं है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें आपने कैसे अपने आप को लुक आफ्टर करना है। वो उनको एक साइड पे बिठा दिया जाता है पत्थर के ऊपर और उनको कोई फैसिलिटीज उनको नहीं दी जाती है, उनको अछूत की तरह एक साइड पे बिठा दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने फेस की, और हम लोगों ने बहुत सारी अवेयरनेस सेशंस भी हमने जाके वहां पे किए, और हमारी यही कोशिश थी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है नर्सेस को और डॉक्टर्स को अपने साथ लेके चले, अपनी टीम के साथ लेके चले। तो काफी हम लोगों ने जितना हम कर सकते थे हमने 3 सालों में बहुत उनके साथ काम किया, और अभी भी हमारा कमीशन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है,
लेकिन थोड़ा सा हमें यही वहां पे आता है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट को, के क्या हालात है वहां पे खवातीन के, क्योंकि खवातीन का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक जनरल सोसाइटी के वेल बींग के लिए। जो आप जिस तरह से आपकी खवातीन रह रही होंगी, अगर वो उनकी सेहत अच्छी होगी, वो मेल नरिश नहीं होंगी, वो हर तरह से सही होंगी, तो वैसे ही आपकी अगली नस्ल और पूरी सोसाइटी होती है। तो अब आप हमें जरा स्पेशल बिल्कुल ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें जी गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्पेशल ओलंपिक्स में आप के साथ जो गवर्नमेंट का है रोल, वो सपोर्टिव है या उसमें भी चैलेंजेस हैं और कुछ है आपके? नहीं आफिया, अभी जो हमारा सिंध में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज DEPD के नाम से उन लोगों ने इसको स्पेशल एजुकेशन से उन्होंने अलग कर दिया है। जब मैं काम भी कर रही थी ना सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो उस वक्त भी मेरा ज्यादातर फोकस जब भी कहीं होते थे स्पेशल एजुकेशनिस्ट और जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के जो हमारे वहाँ पे डिपार्टमेंट से, मैं जरूर उनके पास जाती थी और उनसे इनपुट लेती थी। रिहाना लगारी उस वक्त उनको हेड कर रही थी, तो लेकिन उनके पास दो, क्योंकि एक डिपार्टमेंट को दो दो तीन तीन चीजें दी जाती हैं, तो वो उनके पास पॉसिबल नहीं होता कि वो हर चीज को देख सके। तो अब उन्होंने, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बना दिया है। इनके मिनिस्टर भी डिफरेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा अब जाके हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। कासिम सैयद कासिम नवीद कमर हैं जो वहां पे मिनिस्टर हैं और स्पेशल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हैं। जिस दिन से उन लोगों ने इस डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया है, उन लोगों ने स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान को बहुत ऑन बोर्ड लिया हुआ है। मिस रौनक लखानी को ऑन बोर्ड रखा हुआ है, उनकी कमेटी में भी मिस रौनक लखानी है। तो जब हमारा इन्वॉल्वमेंट उनके गवर्नमेंट के इदारों के साथ होगा, तब हमारी आवाज भी सुनी जाएगी, ठीक है। और अभी जो हमारा, हम लोगों ने SCNICs पे बहुत काम किया। हम लोगों ने 2018 में पहला वन विंडो ऑपरेशन किया है, जिसमें हमारे 230 स्पेशल CNICs हम लोगों ने अपने स्पेशल एथलीट्स के लिए बनवाए हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हीं के सारे लोग थे वहाँ पे। चैलेंजेस हमें बहुत आए, क्योंकि जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे वो इतने, उनको पता नहीं था हमारा जो लॉ है डिसेबिलिटी लॉ सिंध गवर्नमेंट का जो है, उसमें बहुत, उन लोगों ने पहले जब हमारे, मेरे बेटे का सर्टिफिकेट बना या हमारे जो सीनियर एथलीट्स का सर्टिफिकेट जब इन लोगों के बने, तो उस पे लिख दिया गया था मेंटली रिटार्डेड और नॉट फिट फॉर वर्क। तो जब इस तरह की चीजें लिख दी जाती हैं आफिया, तो फिर हमारे बच्चों को ना तो जॉब्स मिलती हैं और ना ही उनको कोई एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है ये बच्चे, अगर इनकी एक एबिलिटी कम है तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी दूसरी एबिलिटीज रखी हैं, बिल्कुल, तो उन मतलब एबिलिटीज ये को किस रिटार्डेड, तरह, ये रिटार्डेड नहीं है, ये जी डिफरेंटली रिटार्डेड एबल है, ये वर्ड डिफरेंटली इसके एबल्ड हैं। लिए। हाँ एग्जैक्टली तो उस हमारे, अब जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है जो लॉ, उसके अंदर उन लोगों ने और इसको किया है। इसमें अब उन लोगों ने सारी जो है कैटेगरीज रख दी गई हैं उन लॉज के अंदर, और बहुत अच्छा उसके अंदर उन लोगों ने कैटेगरीज में सारे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनकी सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो जब हमने सही। SCNICs का हम लोगों ने कैंप लगाया, हम लोगों ने उसमें डॉक्टर्स को, हमें ही एजुकेट करना पड़ा उन डॉक्टर्स को कि जी आप ये चीज नहीं लिख सकते यहाँ पे, एक तो MR नहीं लिख सकते और दूसरा आप नॉट फिट फॉर वर्क लिख सकते, आप नहीं लिए वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इन बच्चों के, देखिए 5% कोटा है जो सिंध गवर्नमेंट ने हमारे लिए, हमारे इन बच्चों के लिए रखा हुआ है डिफरेंटली एबल्ड के बिल्कुल लिए। तो वो जब तक हम, अगर इन बच्चों को हम पहले से MR कर देंगे और नॉट फिट फॉर वर्क लिख देंगे उनके सर्टिफिकेट्स पे, तो फिर तो कोई भी इनको जॉब नहीं देगा, ठीक है। बिल्कुल तो हमने फिर उन डॉक्टर्स को कहा कि आप प्लीज ये लॉक, उनके सामने हमने लॉक खोल के रखा और उनसे कहा कि ये जो बच्चे आ रहे हैं आपके पास, इसमें कैटेगराइज करें, इसमें आईडी वाला कैटेगरी भी है, इसमें डाउन सिंड्रोम भी है, इसमें ADHD भी है, इसमें ASD भी है, तो कम से कम आप इन बच्चों को देखें तो सही, आप देखे बगैर आप कैसे उसके ऊपर लिख रहे हैं। तो काफी हम लोगों ने इस पे शोर डाला और डॉक्टर्स जो थे वो थोड़े से परेशान हो गए, फिर उनको पढ़ना पड़ा वो लॉ जो उन्होंने कभी शायद नहीं पढ़ा था, उनको वो उनको पढ़ना पड़ा और फिर उसके मुताबिक उनको कैटेगराइज करके उन्होंने फिर वो लिखा।
और ये भी हमने गवर्नमेंट वालों, ये जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं शाहजेब शेख, उनको हमें बुलाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर्स हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जब हमने उनको थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व किया, बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, तो उन्होंने आके फिर इन लोगों को थोड़ा समझाया, तो तब जाके इन लोगों ने वो चीजें लिखनी शुरू। तो हमें एजुकेट और अवेयरनेस देनी पड़ती है कई दफा बाकी लोगों को। बिल्कुल। और ये तभी हो सकता है जब आप जैसे लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर्स होंगे। और सेकंड आपसे ये क्वेश्चन था कि सिंध, ये तो आपने सिंध की लेजिस्लेशन के बारे में हमें बताया, क्या दूसरे प्रोविंसेस की और जो हमारी फेडरल जो लेजिस्लेशन है उसका, उसकी क्या सूरत हाल है? उसमें ये चीज डाल दी गई है जो अभी उसमें उसमें भी इस रिफॉर्म की जरूरत है? नहीं, उसमें भी थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट में भी हमें, ये सिर्फ सिंध वाला जो हमारा लॉ है वो बहुत अच्छा है, फेडरल में भी उन लोगों ने डिफरेंटली एबल्ड वाला वर्ड ही यूज कर रहे हैं, और डिफरेंटली और उसमें भी थोड़ा सा जिस तरह यहाँ पे किया गया है ना आफिया, के कैटेगराइज किया गया है, अभी उन लोगों ने उसको कैटेगराइज नहीं किया फेडरल वाला जो लॉ। अगर फेडरल का लॉ सही। कैटेगराइज होता है और प्रॉपर तरीके से वो फिर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ जाए, उसको पास कराना पड़े, करवाना है हमें पहले नेशनल असेंबली से, फिर सेनेट से अप्रूव करा के फिर वो एक लॉ के शक्ल अख्तियार करेगा। तो स्टेप्स हैं इसके अंदर, लेकिन अगर सारे लोग थोड़ा सा इसमें करें, इन्फोर्स करें इस चीज को, ताकि, क्योंकि देखें यहाँ भी लॉ तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उस लॉ। अभी जो 5% कोटा हमारे सिंध गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो भी इम्प्लीमेंटेशन उसकी कहीं नहीं है। हमारे बहुत ही कम एथलीट्स हैं इस वक्त, हार्डली हमारे 10 to 15 एथलीट्स हैं जिनको, वो भी पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के बिना पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, वरना बाकी जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे आर सपोज टू हैव एटलीस्ट 5% ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, इन देयर कंपनीज। तो उसके लिए हमारे पास, हमारे जो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट हमारे स्पेशल एसेट्स को मिली हुई है, वो डेन पार्क फूड फैक्ट्री में है, मेट्रो कैश एंड कैरी में है, मैकडोनल्ड्स ने दी हुई है। तो ये थोड़े बहुत, लेकिन ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है ये वाली एम्प्लॉयमेंट। 30,000 हमारे एथलीट्स हैं, तो वी वॉन्ट ऑल द एथलीट्स के भी सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको नहीं जी ना सही, लेकिन कुछ तो इतना होना एम्प्लॉयमेंट के हमारे एथलीट्स, क्योंकि इनका, पेरेंट्स का मेन कंसर्न ये होता है कि आप तो स्पोर्ट्स के थ्रू इनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर देम? तो फ्यूचर तो आफिया यही है ना कि इन बच्चों को बहुत अच्छी, मतलब कहीं प्लेसमेंट्स मिल जाए, इनको अच्छे तरीके से लोग इनको एक्सेप्ट करें और फिर इनको जॉब प्लेसमेंट्स पे रखें। जॉब प्लेसमेंट्स भी इट्स नॉट ईजी, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस, हम लोगों ने भी बहुत चैलेंजेस फेस किए, और अभी तक कंपनीज वो डरते हैं इन बच्चों से कि हम इन बच्चों को रखेंगे ये हमारे लोगों को मारेंगे, ये ऐसे करेंगे, वो माइंडसेट्स आफिया, आई एम सॉरी टू से, बट माइंडसेट्स तो हमारे वही है ना, कि इन बच्चों को, वो कहते हैं बिल्कुल। कि इन बच्चों को, अभी हम इंटीरियर में गए हुए थे नवाबशाह, तो वहां पे उन्होंने हमें एक दरगाह के ऊपर लेके गए जहाँ पे इस तरह के मेंटली चैलेंज जो है उनको चेन करके डिफरेंट उसमें बिठाया गया है पूरी सराउंडिंग्स में, और लोग सिर्फ आके उनको पैसे दे के जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स से जब हम बात की, हमने कहा आप क्यों इस तरह इनको जाया कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमें कुछ तो अर्न करके दे रही है। तो दिस इज नॉट, मतलब ये बड़ा अफसोसनाक हमें लगा ये बात कि जी दरगाहों पे चेन करके रखना इन बच्चों को, और पेरेंट्स ने बिल्कुल छोड़ दिया है कि कोई बात नहीं, ये जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। तो लेकिन अगर ये बच्चे हमारे एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, कुछ अर्न करके देंगे, सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करेगी, पहले तो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना है, फिर सोसाइटी ने एक्सेप्ट बिल्कुल करना है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन बच्चों का एक्सेप्टेंस दिलवाएं, चाहे वो मेरे बेटा है या बाकी बच्चे हैं, हमारे लिए तो एक एक बच्चा बहुत वैल्यूएबल है, और हम चाहते हैं कि हर बच्चे को इतना हम स्ट्रांग बना दें कि वो खुद से अर्न करे, अपनी इंडिपेंडेंट स्किल्स उनके पास हो, और बहुत अच्छे से वो लेके, इस चीज को लेके चले। जी। आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और इतनी नई इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें हमें हमारे नॉलेज में आ रही हैं कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि इस कन्वर्सेशन को यहाँ पे खत्म किया जाए, लेकिन टाइम की कमी है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ हमने नेक्स्ट सेशन भी प्लान किए हैं जिसमें हम वन बाय वन इन सब चीजों पे करेंगे।
क्योंकि एक शो में इंशाल्लाह। पॉसिबल ही नहीं था कि हम ये सारी चीजें जो है इनको कवर कर सकें, तो इसीलिए हमने बस थोड़ा 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 ओवरव्यू लिया एक आप जनरल जिन जिन चीजों में आप इन्वॉल्व हैं। लास्टली अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सोसाइटी को मैसेज दें और जो पेरेंट्स हैं स्पेशल बच्चों के, जो डिफरेंटली एबल बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके लिए मैसेज दें, क्योंकि इन बच्चों को हैंडल करते हुए और इनको मैनेज करना और इनकी सारी चीजों को देखना, इनको लुक आफ्टर करना जो है वो भी डिफरेंट है एक दूसरे बच्चे से की कंपैरेटिवली। तो उन पेरेंट्स भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत ही सब्र और तहमल वाली वाला काम है। तो इसमें आप उनको कोई मैसेज दीजिए, उनको कुछ अपने अपने पूरे जो आपने 32 ईयर्स माशाल्लाह हो गए हैं आपके बेटे को, आप उनके साथ हैं, तो इससे कोई मतलब कोई एक चीज जिस जो उनके लिए हेल्पफुल हो वो लास्टली आप ऐड कीजिएगा, फिर हम इसको जी एंड बिल्कुल करते हैं। आफिया। मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगी कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज जो हैं वो इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, ठीक है। और फिर इनको सोसाइटी भी इनको तब एक्सेप्ट करेगी जब हम पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट करें। जी और इनको इंक्लूसिव स्कूल्स की तरफ, मैं हमें ये स्पेशल स्कूल्स वाला जो सिलसिला है, ये स्पेशल इंस्टीट्यूट है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी सोसाइटी जो है वो इनको एक्सेप्ट करें और इनको नॉर्मल स्कूल्स में, नॉर्मल सोसाइटी में, नॉर्मल लोगों के साथ काम करने का मौका दें। नॉर्मल स्कूल्स में जाएं ये बच्चे, उन नॉर्मल लोगों के साथ उठें बैठें खेलें, ताकि इन बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। हम जब इनको आइसोलेट कर दिया जाता है ना कि ये स्पेशल है, इनको साइड पे कर दें, वो चीज बहुत तकलीफ दे होती है आफिया। एज अ मदर, एज अ पेरेंट मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे होती थी ये चीज। तो जितने हमारे पेरेंट्स हैं, हम सब इसी तकलीफ से गुजरते हैं। तो अगर सोसाइटी इनको शुरू दिन से हमारे इन बच्चों को एक्सेप्ट करेगी, इनको हमारे पास इंक्लूसिव स्कूल होंगे, इंक्लूसिव ग्राउंड होंगे, हर चीज में इनको इंक्लूड किया जाएगा, इनको आइसोलेट नहीं किया जाएगा स्पेशल नाम, स्पेशल के नाम से, तो वो सही अगर हो जाए, हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज में हमें सपोर्ट करे, हमारी एनजीओस भी हमें सपोर्ट करें, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हमें इन चीजों में सपोर्ट करें, तो वी वुड बी रियली ग्रेटफुल। और इसी तरह जिस तरह इन बच्चों को बिल्कुल रखा जाता है कि जी ये इवन जो हेल्थ केयर सेंटर्स बने हुए हैं उसमें भी स्पेशल सेंटर्स क्यों बनाए जाते हैं, इंक्लूसिव क्यों नहीं होती हर चीज। तो अगर हमारी गवर्नमेंट और हम सब मिलकर इस पे काम करें कि हमारी इंक्लूसिव सोसाइटी हो, इन बच्चों को उसी तरह नॉर्मल तरीके से इनको काम करने का मौका दिया जाए, इनको उसी तरह इनकी ग्रूमिंग हो, इनकी डेवलपमेंट उसी तरह हो जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे की होती है। हमने तो अपना फर्ज अदा कर सही। दिया, लेकिन जो अपकमिंग हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अपकमिंग जो बाकी लोग हैं, उनके लिए होना चाहिए बच्चे जो हैं उनको इंक्लूसिव रखें, इंक्लूसिव सोसाइटी। तो सही। इंक्लूसिव इंक्लूजन इज द रेवोल्यूशन। ये हमारा स्पेशल ओलंपिक्स का भी हमारा लोगो यही है, नेक्स्ट हमारा अपकमिंग ईयर्स के लिए, कि इंक्लूसिव सोसाइटी। जी बिल्कुल। और हमारा भी इनोवेटिव वुमन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से यही मैसेज है कि जी आप सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, कोई भी कमतर या बर्तर नहीं होता, सारे हर इंसान या हर जिंदगी को अल्लाह ताला की जात ने एक खास तरतीब पे इस बनाया है, और कोई भी ये जैसे रिटार्डेड या ये चीजें नेगेटिव, जो सबसे पहला पहला काम ये है हम अपनी वोकैबुलरी जो है इसको पॉजिटिव रखें, जिस तरह रिटार्डेड को हटा के आप डिफरेंटली एबल करें, तो यहीं से ये सफर स्टार्ट होगा। और इंशाल्लाह ताला आप जैसे लोग जो हैं वो उम्मीद की एक किरण है, और आप जैसे लोग ही हमारे लिए मिसाल ले रहा है, थैंक और हम आपको फ्यूचर में भी इंगेज रखेंगे अपने साथ। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू अब आफिया, इसी थैंक मैसेज के साथ मैं यू ये इस आफिया, सेशन का को अब यहाँ पे एंड करूंगी। थैंक यू सो मच, और हमारे सब व्यूवर्स थैंक यू का भी बहुत आफिया, बहुत शुक्रिया के लिए। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।